सासु माँ की नई सहेली। प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है, जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो? अरे विमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो, और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ, या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से दो चार बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है, अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं, तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं, राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छील रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा, आपके बगल वाले घर में अभी दो चार दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप, देखिए तो मम्मी जी आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन, आइए आइए, और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई, सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो, ये आजकल की बहुएं भी ना, जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है, दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो, आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब दो औरतें मिल जाती है ना तो बातें अपने आप ही निकल आती है, अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती, और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है, जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन दो बार आवाज लगाती है लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है इसलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है? सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन
ये क्या बात हुई? प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी दो दो बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना, और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है, वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है, अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं, और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक तुम्हें पता है, हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं, बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। हरी क्या सुमन, तुम भी ना, तो फिर इसी बात पर चाय और पकौड़े हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं।